इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिथिला में धनुष भंग हुआ, दूत पत्रिका लेकर श्री अवध गए। महाराज को खबर चली, बारात सज धज कर मिथिला आई। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिक आई। लग्न से पहले बारात आ गई, लग्न अर्थात निश्चय था ही नहीं कब विवाह होगा। उत्साह बहुत होता है तो क्रिया कब हो रही है, कौन कर रहा है, इसका बोध नहीं रहता है। आप देखते हैं, यदि आपको किसी प्रसन्न भाव में जाना हो, जैसे किसी को जमीन बेचना हो और किसी को खरीदना हो, तो खरीदने वाला पहले ही कपड़ा पहन के उनके घर पहुंच जाता है और बेचने वाला कहता है चलत है रुका, क्योंकि खरीदने वाले को प्रसन्नता होती है और बेचने वाले को दुख होता है। बड़ी टेढ़ी अवस्था है। सहजावस्था में लोग नहीं बेचते कुछ। साधक लोग, जैसे आज हमारे पूज्य चाचा जी कह रहे थे कि कल कोई कह रहा था कि 3:30 बजे बाबा को आना है, 4:30 बजे आते हैं। देखो आप, मेरा ऑल इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है 4:00 बजे, तो मैं आयोजक को स्वतंत्र कर देता हूँ, तुम 1:30 बजे लिखवा लो, मैं तो 1:30 बजे सोता मिलता हूँ। गांव पर हूँ इसलिए मुझे सबको संतुष्ट रखना पड़ता है। अबे सोकर उठिए नहीं कि 4 लोग कृपा कर देते हैं, आयल वाणा का तो चाहे भेटाती है 9 बजे। अभी हमको 5-7 जगह जाना था, कहीं जा ही नहीं पाए। एक मेरे मित्र कह रहे थे कल कि हमारे को घर बहुत चाय पिए कर हल्ला के, वो कहते नहीं। अब का कहते नहीं खे, अम्मा जी कहते रहे कि दूध से तुम बहरे खाता रहा, घरे खाते नहीं। बिने जी के न जाए तो बहुए इनके ऊपर मुकदमा कर देगी, बाबूजी से कहवा दिए। और दरबार में नेमनार न जाए तो बाबा का चेहरा देखना पड़ता है। अब हम का करें। तो आप मान कर चलिए कि हर साल हम 4:30 बजे ही आएंगे, 7:30 तक कथा करेंगे, चाहे 2 बजे लिखाओ चाहे 1 बजे लिखाओ। इसको आप गांठ बांध लीजिए, हमारा समय सेट है। 4:30 से 10 बजे रात तक बैठे रहिए, हम सुनाते रहेंगे। यो लोग ना ही थकते हैं, घर नहीं जाएंगे। ठीक है, रहता है ना। अपने हैं आप। उत्साह बहुत होता है तो मुहूर्त नहीं देखा जाता। बारात लग्न से पूर्व आ गई हो, इसलिए नगर में बड़ा आनंद हो रहा है। विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण प्रभु को लाकर पूज्य पिताजी से मिलाए, रचना आगे बढ़ी। आओ भगत भया है, मां भगवती सीता मैया ने रिद्धि सिद्धि से बुलाकर ये कहा, जितने बाराती लोग आए हैं सबका समुचित आदर करिए। रिद्धि सिद्धि अपने व्यवहार को फैला दी। भगवान ब्रह्मा की रचना भी छोटी पड़ गई, इतनी सुंदर व्यवस्था बारातियों को प्रदान की गई। ऐसी अद्भुत
धीरे धीरे वो समय आ गया जब द्वार पूजा के लिए बारात जाएगी। लोग प्रशंसा करते हैं, कन्या पक्ष की भी और वर पक्ष की भी, दोनों पक्ष सम आदरणीय हैं। जब समवय के लोग होते हैं तो वहां शब्द आदरणीय नहीं लगता है, समादरणीय लगता है। समादरणीय डॉक्टर साहब, मेरे जैसे ही आप समादरणीय। लोग प्रशंसा करके कहते हैं जैसे जनक राज महाराज हैं वैसे जानकी जी हैं, और जैसे चक्रवर्ती महाराज हैं वैसे ही दुल्हा सरकार जी हैं। समय आ गया। और देखिए गोस्वामी जी की पंक्तियां कितनी मधुर है। व्यास जी, थोड़ा घुमा लो। मंगल मूल लगन दीन आवा, लगन दीन आवा, हिबरी तो अगहन मास ए सखी, हिमरी तो अगहन। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारु, जोग बर बारु, हिमरि तो अगहन। हे सखी हिमरि तो अगहन, विधि की विचारो, विधि की विचारो, हिमरि तो अगहन। हे सखी हिमरि तो अगहन, पठये नारद सन सोई, नारद सन सोई, हिमरि तो अगहन ए सखी। जनक के कन कन जोई, कन कन जोई, हिमरि तो अगहन। सुनी सकल लोगन यह बात, लोगन यह बात, हिमरि तो अगहन ए सखी। सब कहही ज्योतिषी आही
विधाता आई विधाता मंगल मूल अर्थात मंगलवार। आज वो मंगलवार है हो। हाँ क्या बात है, आज मंगलवार है, हनुमान का वार है। मंगलवार दिन आया, अगहन माह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षोस्मि, मासों में मैं उत्तम मास हूं अर्थात मार्ग शीर्ष हूं, मासों का शिरोमणि अगहन माह। अगहन माह सब प्रकार शुभ है, विद्यार्थी के लिए, बहुरानी के लिए, बेटियों के लिए, कृषक भाई के लिए, सबको फुर्सताह मास है। मंगल की जड़ कौन? अतो अगहन आया। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गोधूली वेला में बारात द्वाराचार के लिए आएगी, द्वाराचार अर्थात द्वार पूजा हेतु आएगी, ऐसा भगवान ब्रह्मा ज्योतिषी बनकर मुहूर्त बनाए। देखिए बिना मुहूर्त के कोई सत्कर्म नहीं करना चाहिए, और जीवन में जो संसारिक व्यवहार है इसमें तो मुहूर्त का अवश्य पालन करना चाहिए। साहित्य से सुतार भला वाला सिद्धांत अच्छा नहीं है। कोई कह रहे थे कथावाचक महोदय कि गुरु जी ने मुहूर्त बताया तब भी वनवास हो गया, गुरु जी ने मुहूर्त नहीं बताया। गुरु जी ने तो कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जब राम जी, तो अबे करो। आदमी गुरु जी को मानता है, गुरु जी की नहीं मानता है, गुरु जी की भुगतने के बाद मानता है। गुरु को तो लोग मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। फायदे में तो मानते नहीं है, जब नुकसान उठा लेते हैं तब गुरु महाराज आपने कहा था, अरे भाई हमने कहा था, जो हमने कहा तुमने कहा किया। आदमी वो करता है जिसमें उसको फायदा दिखता है, उसको लाभ दिखता है। संत सदगुरु शास्त्र सिद्धांत, अरे छोड़िए ना, पंडित जी महाराज से पंचांग लोग नहीं ठीक से दिखवाते। नाम रख लेंगे, पंडित जी महाराज से कहेंगे महाराज ई अक्षर हमारे लड़का पतो ढूंढ ले, यही में मिलान करी ल। कैसे मिलान होगा? जिस लग्न ग्रह नक्षत्र के मुहूर्त साय में संतान बच्चा बच्ची आएंगे वहां ना अक्षर निकलेगा जी, कि पहले से निकाल लो को थोड़ी होगा। लेकिन यहाँ भगवान ब्रह्मा ज्योतिषी हैं, उन्होंने मुहूर्त बनाया। नारद जी बोले मैं पहुंचाऊंगा, क्यों? विनोद है। नारद जी बोले इसलिए मैं पहुंचाऊंगा कि मैं भगवान की ओर देख देख मुस्कुराऊंगा, प्रभु आपने मेरा होने नहीं दिया, हम आपका करवाने आए हैं। इसलिए पठे दीन नारद सन सोई गनी जनक के गनकन। अब वहां गणक कौन बने? आ तो ब्रह्मा जी। मुहूर्त की बड़ी महिमा है। बड़ी महिमा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।